सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ही प्यारा श्लोक है मित्रों, जिसका मतलब है हर धर्म को छोड़कर सिर्फ एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मैं वचन देता हूं। भगवान वचन दे रहे हैं, खुद अपने मुख से बातें बोले कि मैं वचन देता हूं, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे हर पाप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करूंगा। अब आप सोचेंगे मैंने आपको श्लोक क्यों बोला। दोस्तों, दवा के साथ दुआ भी जरूरी होती है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। और मेरे तो इष्ट देव श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण भगवान जी हैं, परमपिता पर सृष्टि को जो चलाने वाले हैं वो वही हैं। अच्छा, बात अब आती है कि मैंने श्लोक क्यों बोला। अब इसको मैं अपने आप से जोड़कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप सिर्फ एक मेरी बातों का अनुसरण करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा दूंगा। बीमार पड़ेंगे ही नहीं, बस मेरा हाथ पकड़कर आप लोग चढ़ना शुरू कर दीजिए, एक एक बात को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बात समझ रहे कि नहीं समझाए आप लोग को, चाहे माताएं बहने वीडियो देख रहे, चाहे मेरे भाई वीडियो देख रहे, मेरी बातों को समझना मानना आज से शुरू कर दीजिए। आपको कोई नहीं सिखाएगा इतने तरीके से, इतने दिल से, इतने मन से, एक एक बात, छोटी से छोटी बारीक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब बात आती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आने की समस्या में काले तिल कैसे फायदा करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, व्हाट्सएप पे मैसेज मैसेज ने कहा सर ऐसा है, आप काले तिल तो हमें कह रहे हैं कि आप खाइए, लेकिन उनको खाएं कैसे, पंगा तो ये है, और क्या फायदा करेंगे, हम तो दवाई ले रहे हैं। मैंने कहा दवाई लीजिए, बंद नहीं करनी है ये काम, कभी भी नहीं करना कि दवाई बंद कर दो। नो, ये सप्लीमेंट्स होते हैं नेचुरल, सपोर्ट करेंगे आपको, वो अलग बात। लेकिन ऐसा थोड़ी किससे बीमारी आपकी 100% ठीक होगी, ऐसा थोड़ी होता है। दवाई बंद नहीं करनी है, यू हैव टू टेक मेडिसिन एज योर डॉक्टर सजेस्ट यू, सिंपल सी बात है, दवाई बंद नहीं करनी है। बात आती है कि जो काले तिल हैं इनका क्या फायदा, कि काले तिल के अंदर बेसिकली होता क्या है। काले तिल में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एक सेकेंड, मैंने क्या बोला अभी लास्ट में, आपने वीडियो देखी नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यही एक चीज है। इसी की वजह से मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग काले तिल को खाओ। अगर आपको प्रोस्टेट की साइज बढ़ गया तब भी खाओ, अगर आपको पेशाब बार बार आता है तब भी खाओ, यही एक वजह है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये इतने पावरफुल होते हैं दोस्तों, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपका जो पेशाब जो बार बार आ रहा है ना, देखिए बार बार पेशाब आने के कारण तो बहुत से होते हैं। हो सकता है आपकी पेशाब की थैली कमजोर, ये ब्लैडर फंक्शंस को अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है, बात समझे, प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है 100 साल तक। देखिए बातें मानना पड़ती हैं, कई किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, अपने गाँव का एक्सपीरियंस होता है ये। जो हमारे घर के बुजुर्ग 100 100 साल जी रहे हैं ना यार, उनको कोई बीमारी तक नहीं है। प्रोस्टेट वोस्टेट तो छोड़ो, परे तो भाड़ में जाओ, उसको मतलब ही नहीं क्या होता है। हमारे यहाँ गांव में नहीं जानता कोई प्रोस्टेट क्या है मेरे भाई, लेकिन कभी ये भी नहीं सुना कि किसी को पेशाब में जलन हो गई। भैया मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जानते हैं समझते हैं। किताबी कीड़े मत बनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बातों को समझा करो। घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी बातों को समझा करो, 100 साल तक जी रहे हो, क्यों जी रहे हैं, हम तो 50 60 की उम्र तक आते आते भैया बस बहुत हो गया, अब हम नहीं जी सकते। अगर 50 60 साल जीवे रहे तो कैसे, विद मेडिसिन, दवाई खा करके, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, गैस की, कब्ज की, तेजाब की, थायराइड की, भैया तब जी रहे हैं दवाइयों के सहारे। पुराने जो भैया ये सब बुजुर्ग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे तभी जीते, फैक्ट है, ये सच्चाई है जीवन की। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, काले तिल कैसे उसका ना वो शब्द मैंने बता दिया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपको ये खाने हैं। खाने कैसे समझ लो, काले तिल लेने हैं, काले तिल लो, उनका पाउडर बना लो ना, काले तिल का पाउडर बना लो, ये पाउडर नहीं बना सकते, काले तिल वैसे लो, थोड़ा सा आप उसमें गुड़ डाल दो, गुड़ थोड़ा सा देसी घी में भून लेना, ले काले तिल जब लो ना उसको थोड़ा सा देसी घी में भून लेना, काले तिल को अपने हिसाब से 2 3 चम्मच जितना लेने हैं उसमें एक एक दो चम्मच देसी घी डालो, भून लो उसको अच्छे तरीके से,
उसको भून लिया, उसके बाद उसमें गुड़ ऐड कर दो, शक्कर आप रहन देना यार, आप गुड़ ही ऐड करना, देसी गुड़, गांव जाकर गांव से गुड़ ले आना, उसको लड्डू बना लेना ऐसे गोल गोल, 50-60 ग्राम का लड्डू, इससे ज्यादा ना बने, 50-60 ग्राम का लड्डू, जैसे अभी लोहड़ी में मिलते हैं ना काले तिल के लड्डू, इतने इतने से, बस वही वैसे उतने साइज रखना है, सुबह शाम एक लड्डू खाओ यार। दोस्तों यकीन मानो ना, आप एक करके तो देख लो, बाकी छोड़ो परे, आप विश्वास करेंगे कि वाकई में क्या जबरदस्त भाई आपने क्या हमें तरीका बताया। अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ, प्रोस्टेड वोस्टेड वोस्टेड, प्रोस्टेड का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता यार हम लोग का, आप प्रोस्टेड की बस से परेशान हो, आपने समझ, आपने आप ये नहीं समझते आपको प्रोस्टेड हुआ क्यों, आप नहीं समझेंगे, अगर आज तक आप नहीं समझे ना, मैंने आपको प्रोस्टेड की पता नहीं कितनी वजह बताई कि आपका ये कारण से प्रोस्टेड हुआ, समझ जाओ, आप नहीं समझे ना तो आप नहीं समझ सकते। मैं 37-38 साल, मैं बताऊँ 30-40 को हो जाऊंगा, तो मैं आपको बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ, मुझे प्रोस्टेट नहीं होगा, ना कोई यूरिन प्रॉब्लम्स होगी, क्यों, बिकॉज मेरी पैल्विक एरिया मजबूत है, पैल्विक एरिया की मसल स्ट्रांग है, दैट आर वेरी स्ट्रांग, बात समझे, मैं अपने पेशाब को होल्ड कर सकता हूँ 5-10 मिनट तक लगातार। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगर 5-10 मिनट छोड़ो पर 1 मिनट भी पेशाब को अगर रोकना पड़ जाए तो कपड़ों में लीक हो जाएगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे, रात को डायपर्स लगाना पड़ेंगे, इट इज द मेजर साइन ऑफ वीक पेल्विक मसल्स, बिकॉज मेरी क्यों स्ट्रॉन्ग है पेल्विक एरिया की मसल्स, क्योंकि मैं बटरफ्लाई योगासन करता हूं, तितली आसन मेरे भाई, सिर्फ बहुत वीडियोस में बता चुका हूं, बहुत वीडियोस में बता चुका हूं, तितली आसन करता हूं मैं, तितली आसन और कुछ नहीं करता मैं, आपको बता दो सिंपल बात, मैं तितली आसन करता हूं और डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता हूं, मीट अंडा दारू कुछ नहीं खाता पीता हूं मैं, नशा नहीं करता हूं किस तरह का, बात को समझ रहे, डेयरी प्रोडक्ट अच्छे नहीं, उसमें फैट होता है, देखिए मैं आपको तय बोलता हूँ फैट वाली चीजें मत खाओ यार, खाना कभी कभार खा लो कुछ चलता है, मैं आपको हर वीडियो बोलता हूँ कभी कभार खाओ कोई इशू नहीं है, एमरजेंसी में खाना पड़ रहा कहीं गई हो कोई बात नहीं खा लो, लेकिन डेली मत खाओ ना यार, कम से कम रोज मत खाइए, क्योंकि देखिए डेली प्रोडक्ट अगर खाना चाहते हो तो खाओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप खाओ लेकिन उसको पचाओ, पूरा दिन ऑफिस में सुबह डेयरी प्रोडक्ट लेंगे, दूध पियेंगे, साथ में कुछ और खा रहे हो, पूरा दिन ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहेंगे, उसके बाद जाओ धूप में काम करो, वाइटामिन डी लो, तब फैट डाइजेस्ट होगा, पचेगा, मेहनत करो पसीना निकलेगा, ये पसीना तो छोड़ो पर, पसीना गर्मियों में निकल रहा है, इतनी गर्मियों में आप लोगों ने पसीना नहीं निकाला तो अब सर्दियों में क्या पसीना निकलेगा, गांव के बंदे अगर दूध वगैरह पीते भी हैं तो भैया मेहनत करते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं फैट को, हल चलाते हैं खेतों में, आप लोग तभी मना करते हो, आप लोग मत खाओ पियो भाई दूसरे में चीजें, आप नहीं पचा पाओगे, गैस बनेगी, अभी इसमें समझ जाइए, अगर खाना चाहते हैं दूसरे बनी चीजों को, मक्खन घी पनीर, तो भैया मेहनत करो 1-2 घंटे दिन में धूप में जाके मेहनत करो, पसीना निकालो तब खाओ, तब मैं मना नहीं करूंगा, पूरे दिन एसी लगाए वहीं पे बैठे रहेंगे, तो भैया थोड़ा सा समझ रहे ना, इस्तेमाल करिए अपना, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद अपने इस भाई के ऊपर बना के रखिए।